सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम आ चुके हैं मंगल ग्रह के जन्म स्थान जो उज्जैन में स्थित है। और यहाँ पे आने के बाद हमें मंदिर के द्वार पे एक बाबा जी मिल गए जो यहाँ के बारे में बताते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि बाबा जी क्या बोलते हैं, इसके बारे में क्या बताते हैं। सुना है मंगल ग्रह का जन्म स्थान है जिस मंदिर पर आप आए हैं, और मंदिर की जानकारी स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में, अवंतिका है उज्जैन का पुराना नाम। एक अंधकर्षु नामक राक्षस यहाँ पर रहता था, उसने घोर तपस्या कर भोले बाबा से वरदान मांगे थे कि मेरी रक्त की बूंद अगर भूमि पे गिरेगी तो भूमि में से राक्षस पैदा होंगे। उन राक्षसों ने पूरे विश्व को अस्त व्यस्त करके परेशान कर दिए थे। यहाँ पे सब परेशान होकर शिव जी के पास गए। शिव जी राक्षस दोनों के बीच घनश्याम युद्ध हुआ था। यहाँ पर युद्ध करते समय शिव जी का मस्तक का पसीना भूमि पे गिरा, भूमि में से इनका जन्म हुआ। ये मंगल ग्रह हैं और अंदर आपको शिव रूप में विराजमान मिलेंगे, लेकिन नंदी महाराज नहीं मिलेंगे। विश्व का पहला शिवलिंग है वो नंदी जगह भेड़ मिलेगा आपको। और कर देखा जा रहा है मंदिर से महाकाल, महाकाल सोमनाथ। महाकाल गए कि नहीं गए आप? गए ना, गए। महाकाल महाराज के दर्शन करने से उज्जैन दर्शन ज्यादा पुण्य मानी जाती है। उनके सेनापति काल भैरव भी गए हो आप? काल भैरव बाबा के दर्शन करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा होता है, और महामंगल को दान चढ़ाने से 21 प्रकार की बाधा दूर होती है। भूमि प्राप्ति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, शीघ्र हुआ, शुभ प्राप्ति, यश प्राप्ति, मंगल दोष निवारण, समस्त रोग और आज शत्रु राज्य गृह दोष निवारण।